वेलकम गाइस, एक क्या बोलते हैं बुला गया मैं वीडियो शुरू करने के लिए बुला गया। हेलो गाइस, आपका फिर स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। अब बढ़िया से स्टार्ट किया हो ना, शिकायत मत करना। अभी मुनगा साग तोड़ रहे हैं, मुनगा सब्जी बनाएंगे आज, मस्त मजा आएगा। मैं तो मज़ा आता है खाने के लिए, लेकिन बनाया तो बहुत कम है। ये तो खूटा सब है ना, इसे काट काट के गाड़ देंगे, जो सीधा सीधा जैसे है उसी को काट काट के बीच बीच से काट के टंगिया से काट के जी। चलो काम शुरू करते हैं। रेडी, तोला जा रहा है मुनगा, कंसी से उसको नीचे तरफ झुका के, झुकेगा नहीं साला बच गया, ये भी गिरता। और तो ऊपर ऊपर है, उसको भी खींचना पड़ेगा, और ऊपर है उसको खींचना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। ज़्यादा सुखाने के लिए भी बोल रहे हैं, सूख जाएगा एक दिन में की क्या। पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना सब भींग गया, बहुत दिन बाद पसीना से नहाया। हालांकि कल भी नहाए थे, बस में जाते समय बहुत गर्मी थी, लेकिन पहले कोड़ी कोड़ के पसीना से नहा रहा था। अब टंगे टंगे चला के इसको पूरा काट दिया, दिखाऊं। देखो इसको इतना मोटा, पहले ये वाला डगाल काटे, फिर ये वाला डगाल काटे, उसके बाद डायरेक्ट इतना चौड़ा को अभी मैं काटा हूँ इसको। देखो इतना बड़ा, ये सड़ रहा था ना तो इसको काटना पड़ा, तो काट दिए ये वाला, ठीक है ये वाला नहीं काटेंगे, बस काट दिए ये भागा। अभी उसमें गोबर और फिर डाल को छाप देंगे, और इसको भी कोड़ना शुरू करना है। कोड़ने के लिए मैं तो सुबह सुबह कोड़ कोड़ के पसीना निकलाऊंगा, तो शरीर बनेगा बढ़िया से। पसीना मुंह में जा रहा है, तो नहीं कहाँ से, यहीं से आके शायद पसीना खर जैसे लगता है। सबको पता है कि खारा होता है, शरीर का नमक जितना भी होता है वो निकलता है। हेयर कट कराना था, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को या फिर कल करा लूँगा। तो गाइस, अभी यहाँ पे लीची तोड़ रहे हैं, मैं चढ़ा हूँ लीची पेड़ के ऊपर, देखो कितना ऊपर खड़ा हुआ, देखो लीची तोड़ रहा हूँ अभी, और पानी गिर रहा है हल्का हल्का, और हवा भी बहुत तेज चल रहा है, जैसे कि पीछे दिख रहा है, आवाज़ भी आ रहा होगा। देखो कितना ऊंचाई पे मैं चढ़ा हूँ, जो तोड़ता हूँ उसके बाद आपको किसी मिलता क्योंकि ना धूप भी गिर रहा है, पानी भी गिर रहा है, बादल भी गरज रहा है, बिजली भी चमक रहा है, हवा भी चल रहा है, तो बाद में तोड़ने के बाद मिलता हूँ। पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये देखो, ये तो दिख रहा है ना हाथ में मेरे, पानी टपक रहा है। जल्दी से ये वाला झोपा को तोड़ के लेके चलता हूँ मैं। ये वाला झोपा देखो, इतना बड़ा झोपा तोड़ के लेके जा रहा हूँ, और पीछे मस्त धूप क्या है, और पानी भी गिर रहा है, और हवा अभी थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मेरा आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। और मैं भी ऐसी ही पैंट में हूँ, हाफ पैंट में और बनियान में और गमछा, टी शर्ट पहन, टी शर्ट तो मेरा फट गया है, टी शर्ट न्यू लेना है इसलिए नहीं पहना हूँ। और ये देखो मस्त दिख रहा है लीची, मैं लीची तोड़ के लाया, थंबनेल के लिए एक फोटो तो जरूरी है। हो गया फोटो खिंचाना, अब चलते हैं, पूरा एक घमेला तोड़ के लिए हैं अभी खाने के लिए, बस बाद में लेने के लिए तोड़ेंगे। मैं जा ही रहा हूँ, चलो वहीं पे दिखाता हूँ मैं एक कंडे, यानी कि अभी जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा, चुटकी बजाते ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, जैसे कि 1 2 3, रुको इसको रख लेता हूँ, चुटकी बजाता हूँ 1 2 3। देखा पहुँच गया चुटकी बजाते के साथ, यहाँ फिर यहाँ पे हल्ला कर रहा है पूरा। देखो एक घमेला है, इसको अभी ख़त्म करेंगे खा खुआ को, मैं तो मस्त इतना अच्छा अच्छा दौड़ के लाया हूँ।
तो गाइस अभी अभी पानी गिरा है मस्त, देखो आंगन सब गीला हो गया। नहीं दो बार तो लगा था कि पानी गिरेगा, उसके बाद नहीं लगा था क्योंकि सब पानी उधर भाग गया था ना। मस्त पानी गिरा है, इधर शेरवा बैठा है पूरा, इधर भींगा हुआ है झूरी सब सब भींग गया, लेकिन इधर पानी भर गया, ठीक ठाक पानी आया है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं आया कम भी नहीं आया है। एकदम बादल भी मस्त लग रहा है और आंगन भींग ही गया है, और देखो बादल कितना बढ़िया लग रहा है कि सिनेमेटिक दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मस्त मौसम भर दिया है, थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल है, पानी गिरा मस्त सौंधी सौंधी सेंट आ रहा है, और देखो सब तरफ पानी भींगा हुआ है। देखो ऐसा पानी ना जब भैया लोग जाते हैं तब ऐसा पानी गिरता ही है, अधिकतर बार हमेशा तो नहीं लेकिन अधिकतर बार ऐसे ही होता है, जब भी जाते हैं भैया लोग तो ऐसे ही पानी गिरता है, शाम शाम को उसके बाद इधर जाता है, कभी कभी रात भर पानी गिरता है तो ऐसे छेका के जाना पड़ता है। देखो सनसेट हो रहा है इधर, कितना मस्त सूरज, सूरज नहीं दिख रहा है बस बादल दिख रहा है, और मस्त पानी गिरा है, ज़मीन गीला हो गया है ये देखो जैसे कि दिख रहा है, और पानी भरा है थोड़ा थोड़ा, और इधर पूरा झीटा सा रहा है, इस बार ज़्यादा हवा भी नहीं चला, ज़्यादा बिजली भी नहीं चमका, ज़्यादा बादल भी नहीं गरजा, ठीक ठाक एकदम बढ़िया से पानी गिरा है, और हवा भी नहीं चला, तूफान जैसा चलता है ना वैसा नहीं चला है। और बाहर का एक व्यू दिखा देता हूँ, 360 डिग्री एंगल में दिखा देता हूँ। देख लिए अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चलो चलते हैं अभी 8:30 बजे बस है, रॉयल बस उसे जाएंगे बिलासपुर, बिलासपुर से ट्रेन चलते हैं बैंगलोर, यूनिवर्सिटी आ जाएंगे भैया लोग, मैं जाना कैंसिल कर दिया हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, अगली बार सोचूंगा जाने का। तो अभी शाम हो रहा है और हम लोग घूमने जा रहे हैं बस्ती साइड, और मस्त मौसम है, हाँ बस अब गिरा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया है, हाँ कहाँ उठाएंगे की खाना, बिना खाने का घर है तो पड़ा हुआ है इसी, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मैं भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अंधेरा जो है ना, इसलिए अभी हम लोग दुकान घूम के आते हैं, दुकान घूम के आने के बाद 8:30 बजे भैया का बस है ना रॉयल मेट्रो, उसमें जाएंगे तो आज बिल्कुल भी नहीं है पर मजबूर जाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा नहीं तो नहीं जाते हैं ना, काम नहीं पड़ेगा, शादी नाच के जाते हैं कोई नहीं, शादी आप मोबाइल में अपलोड कर देना, यूट्यूब पे देख लेना, हाँ मैं वैसे भी वीडियो तो बनाऊंगा ही शादी का, तो